वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग मिस्टर बैजी समन एयर। तो कैसे हैं आप? तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्किन को कैसे स्मूथ कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई अपनी फोटो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपलोड करते हैं, तो सबसे पहले जो व्यूअर होता है उसको देखने वाला जो उसकी जो आई कॉन्टैक्ट होती है वो सीधी आपकी फेस पर जाती है। और अगर आपकी स्किन अच्छी स्मूथ हुई होगी, उसका बैकग्राउंड एक्सप्लोर हुआ होगा, अच्छी लाइट पड़ी होगी, तो देखने वाले को बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आज हम ये सब कुछ करेंगे। इंस्टाग्राम प्ले स्टोर की एप्लीकेशन है स्नैपसीड गूगल की एप्लीकेशन है, तो ज़ाहरी बात उसमें कोई रिस्क वाली बात है नहीं है, तो आप उसको आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मेरे पास मेरी ये फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो मेरी बहुत ही ज़्यादा बुरी आई है और मैंने इस फोटो को जानबूझ के चूज़ किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप इतनी भी डल और मतलब जिसकी कोई एक्सप्रेस शिफ्टिंग नहीं हुई तो उसको आप कैसे इतने अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो हम इसको सिंपली शेयर करते हैं स्नैपचैट की एप्लीकेशन में। हमारी फ़ोटो ओपन हो चुकी है, तो आप इसकी इंटरफेस देख सकते हैं कि बहुत ही नॉर्मल सा है और जो फर्स्ट टाइम यूज़ करेगा उसको भी इतना कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो हम सिंपली पेंसिल बने हुए आइकन को क्लिक करते हैं और इस पर सबसे पहले हीलिंग वाली ऑप्शन पर जाते हैं। हीलिंग वाली ऑप्शन पर जाकर सिंपली इसको जूम करके जो जो आपके बड़े बड़े दाग हैं उनको अच्छे तरीके से ठीक करके, और मेरे यही थे तो इसको सिंपली हम टिक कर देते हैं। जैसे चेक ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत फ़र्क मतलब आ चुका है। तो हम सिंपली फिर दोबारा इसको पेंसिल आइकन को क्लिक करके और पेट्रोइड ये पेट्रोइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि सिंपली इसने ये बैकग्राउंड पे जो लाइट है उसको ज़्यादा करके मतलब उसको कम कर दिया और जो आप फेस पे लाइट ज़्यादा कर दिया उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको मेरा जो है वो इतनी ठीक है और स्किन स्मूथनिंग का थोड़ा सा कर देते हैं और हाई क्लियरिटी को भी सिंपली इसको टिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी अच्छा फर्क पड़ चुका है। हमारी बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा डल हो चुकी है और फेस पे काफ़ी अच्छी लाइट आ चुकी है। सिंपली हम दोबारा इस आइकन पेंसिल वाले आइकन में क्लिक करते हैं और लेंस ब्लर पे क्लिक करते हैं और इसको गोल करके ब्लर स्ट्रेंथ आप कर दे 35-30 मतलब मैक्सिमम जितना आपको अच्छा लगे अपनी फोटो के हिसाब से 42 करके क्लिक करके आपको टिक कर देना है। और कैप कट का जो सबसे मज़े का ऑप्शन मुझे लगता है ये एरो से बना हुआ है शेयर के लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आप इसको सिंपली क्लिक करके और व्यू एडिट्स पे जाके लेंस ब्लर और ये थंबनेल के ऑप्शन पे क्लिक करके और सिंपली ये बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, आसानी से देखें बिल्कुल आराम से और आप अपनी फ़ोटो को काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। जूम करके आप जहाँ जहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स या ब्लेमिश तरह के कोई दाने वगैरह तो आप उसको आसानी से अपने फ़ोन से एडिट कर साफ कर सकते हैं। तो गाइस सिंपली देख सकते हैं फोटो काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो हम सिंपली टिक कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि फ़ोटो काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। तो हम इसको सिंपली यहां से बैक करेंगे और देख सकते हैं आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। उसके बाद आप यहां पे पेंसिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्टिव ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने जिसम की कोई भी सतह पर आपको लग रहा है कि आपकी फेस से लाइट सही तरीके से नहीं पड़ी है वहाँ पर आप उसको एक्टिव करके तो वहाँ से आप ब्राइटनेस आपको उसे बढ़ा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपके बाकी जिसम का हिस्सा है मतलब जैसे गर्दन होगी इसको हटा के ब्राइटनेस थोड़ी और कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी जो बाजू मेरी है उसको थोड़ी सही कर देते हैं तो नेचुरल लुक वाले मेरी दूसरी बाजू उसको भी आप
रख के थोड़ा सा उसको हल्का दिया। तो गाइस आप देख सकते हैं कि फोटो काफ़ी अच्छी लग रही है और ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये बिफोर एंड आफ्टर है। तो देख सकते हैं इसमें पता तो नहीं पर बहुत। Hopefully you guys enjoy the video. Don't forget to like, subscribe, comment. और अगर आपको और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि हम और भी अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना सकें। Hopefully you enjoy. Miss you. Thank you. Goodbye. Yeah.